डूंगरपुर जिला, यह जिला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक डूंगरपुर जिला के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर जिला राजस्थान के दक्षिण भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा गुजरात राज्य से मिलती है। डूंगरपुर जिले का हेड क्वार्टर ऑफिस डूंगरपुर शहर में मौजूद है। डूंगरपुर जिला के पड़ोसी जिले का नाम उदयपुर जिला, बांसवाड़ा जिला और प्रतापगढ़ जिला है। इसके अलावा और भी जिले लगते हैं जो कि गुजरात राज्य के हैं। डूंगरपुर जिला में 4 तहसील, 2 लोकसभा, 4 विधानसभा, 4 अस्पताल, 1 मेडिकल कॉलेज, 188 ग्राम पंचायतें और 980 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 3,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिला की कुल आबादी 13,88,000 है। इस 13,88,000 में पुरुषों की कुल आबादी 6,96,000 और महिला की कुल आबादी 6,92,000 है। डूंगरपुर जिले का औसत लिंगानुपात 994 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 994 महिला हैं। डूंगरपुर जिला के मुख्य नदी का नाम माही सोम नदी है। माही सोम नदी के किनारे पर बसा यह जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 498 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 770 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो डूंगरपुर जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग राजस्थान और गुजरात के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 10 गुजरती है, जो आगे चलकर राजस्थान के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो डूंगरपुर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम डूंगरपुर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म तथा 2 पटरी शामिल है और इसका स्टेशन कोड DNRP है। इस रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 1961 में हुई थी, लेकिन आज तक इस रेलवे स्टेशन को अभी तक इलेक्ट्रिफाई नहीं किया गया है। और यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अजमेर डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो डूंगरपुर जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। डूंगरपुर जिला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम वाणेश्वरी मंदिर, शिव मंदिर, सोमनाथ मंदिर, डूंगरपुर शहर, जूना महल, बादल महल और घेप सागर झील आदि नामों से लोग काफी वाकिफ हैं। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे कॉलेज, डिग्री कॉलेज मौजूद हैं जो कि यहाँ के लोगों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कराते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 59% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 59% लोग पढ़े लिखे हैं। डूंगरपुर जिला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: श्रीनाथ कॉलेज, SBP गवर्नमेंट कॉलेज, राज नोबल डिग्री कॉलेज, लक्की ड्राइविंग कॉलेज, मेहदी कॉलेज, अनुराग एकेडमी, गुरुकुल कॉलेज, ये सभी इसी डूंगरपुर जिला में मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे प्राथमिक व मुख्य प्राथमिक अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट भी अस्पताल हैं जो कि यहाँ के लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते हैं। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण अस्पतालों के नाम परसों हॉस्पिटल, डॉक्टर गौरव यादव हॉस्पिटल, पुराना हॉस्पिटल, श्री गणेश पैथोलॉजी, डूंगरपुर डेंटल हॉस्पिटल, पूजा सर्जिकल हॉस्पिटल, ये सभी इसी डूंगरपुर जिला में मौजूद हैं। दोस्तों, राजस्थान राज्य में स्थित डूंगरपुर जिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।
दोस्तों अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।